एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोनिका चौधरी और आज मैं लेकर आई हूं आपको ओमान और अजमान के बिल्कुल बीच में पड़ता है हत्ता डैम, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस डैम है। ये यहाँ पे एक खूबसूरत लेक बनाई गई है पहाड़ों के बीच में और यहाँ के पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे मैंने अभी रास्ते में देखे थे, काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। और यहाँ से हम निकलेंगे, अभी हम यहाँ पे खा पी रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। ये मेरे पीछे दी गई है काफ़ी बड़ी पार्किंग और सामने मेरे सामने हाईवे है और यहाँ पर ये लोग करा रहे थे कि जो हॉर्स राइड यहाँ पे चल रही थी। गाइज़, ये भी काफ़ी खूबसूरत थी और यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही है, वेदर इतना अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत। मतलब अबू धाबी से थोड़ा मुझे ठंडा यहाँ लगा आके, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी तेज चल रही हैं। सो गाइज, हमें बड़ा मज़ा आने वाला है आज का व्लॉग, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और ये मेरे पीछे हॉर्स राइड चल रही है। हमें मिल गई है ये वैन जो हमें छोड़ेगी हैटा डैम। सिद्धू हाय, तो ये है हाता डैम, जो कि ये पूरा डैम पे टिकट काउंटर बना हुआ है। और अभी लेक पे हम जाएंगे, लेक का रास्ता यहाँ से शायद नीचे की तरफ है टिकट लेने के बाद। तो भैया जा रहे थे टिकट लेने, तो भैया कह रहे थे कि चलो मैं चला जाता हूँ टिकट लेने, तो बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। चलो 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 चलो, तो ये है यहाँ का व्यू। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और वहाँ से हम बोट लेंगे। अभी पीछे हमने टिकट लिया है बोट के लिए, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। ये है बोटिंग एरिया। तो ये पूरा लेक है यहाँ का, जो डैम इन्होंने बनाया हुआ है, पहाड़ों के बीच में एक डैम है। और मुझे लिटरली यहाँ पे आके इंडिया वाली फील आ रही है। यहाँ इतना सुंदर इन्होंने पहाड़ों के बीच में डैम बनाया है और काफ़ी सुंदर व्यू है। मैंने सुना था यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे शायद कहीं वाटर एक्टिविटी हो रही हो, तो जहाँ हो रही होगी मैं आपको वो दिखाऊँगी। पर यहाँ आना मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है, और जो यहाँ रहते हैं यूएई में और जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो वंडरफुल है, देखना चाहिए। क्योंकि ये नज़ारा ना हर जगह नहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है पहाड़ों के बीच में, और ये वो ग्रीन वाले पहाड़ नहीं है, पत्थर वाले पहाड़ हैं। उनके बीच में एक ऐसा डैम बनाना, ऐसा सुंदर सा व्यू देना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मिलते हैं आगे, अभी हम बोटिंग करने जाएंगे, तो मिलेंगे आपसे आगे। तो यहाँ पे क्या नंबरिंग हो रही है ना, वो जो टिकट्स पे लिखी होगी हमारे, एक घंटा वेटिंग है ऑलमोस्ट, और ये एक घंटे की पैडल राइड है, वो देख रहे हैं लोगों, इसमें तीन वाले और वो तुम लोगों को छोड़ा है तो छोड़ देंगे। ओ, सिद्धू की हवा से बाल देखो कैसे उड़ रहे। ओ तो हम जा रहे हैं अंदर, है ना सिद्धू? जा रहे हैं अंदर, चलो निकू आओ। ऐसे देखेगा? अच्छा नहीं नहीं, ये फिश से क्यों डर रहा है? ये फिश से नहीं डर रहा, आप उसको उठा रहे हो, उसको ये लग रहा है कि मुझे गिरा ना दें। भगवान की दया, फाइनली हम जा रहे हैं अपनी बोटिंग करने। जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? अबे मैं तो नहीं करेगा, ये भाभी से करो।
तो यहाँ पहनी जा रही है लाइफ जैकेट। ये मीकू इज एक्साइटेड। स्माइल। ये थी जिसमें आप साइकिलिंग वाली बोट है और ये वाली हमारी बोट येलो वाली है। तो हम जा रहे हैं इस वाली बोट में, पीछे बच्चों के लिए दिया गया है और मैं पीछे बैठने वाली हूँ और आगे भैया और बैठेंगे मेरे हस्बैंड। ये चलानी पड़ेगी, ऐसे मेहनत वाला काम है। यहाँ वो है और एक घंटे की राइड है ये हमारी टोटल। ये पूरे प्लेस है घंटे में ना खूब तेज तेज पैंडल चलाना है, बचपन वाली फील आने वाली है। आराम से आ रहा हूँ। आगे भी है जगह है ना, ये ले पीछे ले। मिकू 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 पीछे बैठो, इसको ना ये बेल्ट बांध। हाँ ऐसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है सबको। मैंने पकड़ रखा है भैया, टेंशन मत लो, बच्चों के मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ। आ जाओ ना मेरी जान, यहाँ बैठ जाओ ना, आ जाओ यहाँ बैठ के। कैसे डर रहे थे ना कि सिद्धू को नहीं जाने देंगे, सिद्धू को नहीं जाने देंगे। अभी मना कर देते ना तो एक वहीं बैठा होता। ये क्या खोज लिया है तुम लोगों ने, क्या खोजा? बिल्डिंग बन रही है भाई कोई रहने के लिए, या तो कोई रह नहीं आएगा। टापू वापू टाइप ना, टोटल में वहाँ बैठ जाए। उधर चलो ना, उधर उधर कहाँ जा रहे हो तुम लोग, उधर चलो सीधा ले चलो, सब सीधे गए। घर के भी पैसे दिए, यहाँ पे भी चलेंगे ना। वो देखो वो किसी कोई अपना घर ही बना रहा है सीधा रहने के लिए ना। हेलो। सिद्धू पापा सीधे चलो, ड्राइवर साहब सीधे। यार ये ड्राइवर तो हमारा बहुत खराब है। ड्राइवर साहब आप पीछे हो, बच्चों को क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ले चल रहे हो? ड्राइवर साहब पीछे हो। हल्की बोट है तो हम आ गए काफी अंदर। ये है यहाँ का मेन पॉइंट। सिद्ध लो शूज, पानी में चला जाएगा बेटा। तो ये है यहाँ का मेन पॉइंट, यहाँ पे खत्म होना था, ये लास्ट बचा है। Narendra, hi, please confirm your attendance. चलो तेज चलो, चलो तेज चलो, तेज चलो। ये चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं और यहाँ से चलो आगे तक, चलो चलो चलो। कहाँ कर रहे हैं मना, तुम्हें क्या? उसको बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे। अभी इधर चलते हैं। देखिए वो घुमाने को बोल रहे थे। तो हमारा एक घंटा फिर तो बेकार ही हुआ ना। तो ये हम अब घुमा रहे हैं अपनी बोट को। तो अभी भी ले चलो ना, बोलो ना इसको। अरे हमें क्यों नहीं जाने दे रहा,
चलो 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 भागो भागो भागो। इधर क्यों कर रहे हो, उधर ले जाओ। मैं बस कूपा बैठा ना तेरा। चाचा उधर दीवार से साथ साथ तो लेते जाएंगे, तुम दीवार पे जा रहे हो सीधा। गो बैक साइमन, गो बैक। वो थोड़ी देर बाद यू कहेगा और टोपी वाले, और टोपी वाले, और टोपी वाले, तो टोपी वाला नहीं होना। ड्रग कर रहे हैं तो फिर छील देंगे, मतलब छील कर देंगे। ये चला चला के मर रहा है, ये बैठा रहता है, ले ले फिर चला ही। वो जाके टाइटैनिक वाला पोज ले, मर जाएगा। मैं वैसे उठक लंबी तो फुट ट्रैप में मैं हिल जाएगा भैया। अभी भी बोट ऊपर ऐसी है, आगे से ऊपर ही है। देखो देख, ये देख तेरा इसको, ये देख बगल में देख, छोटे वाला तो बहुत ज्यादा वो करता है। कहाँ जाएगा बेटा, पीछे पकड़ा है। अरे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पकड़ो। ए नहीं, मछलियाँ है ना इसमें, छोटी वाली होंगी। हाँ मछलियाँ हैं इसमें, तभी तो ये बैठी है डक्स। वो देख दिख रही है उसपे, छोड़ दो बस, मत उड़ाओ ना। क्यों उड़ा रहे हो उसको, बैठा बेचारा। बाय कर दो सिद्धू, बाय कर दो, बाय कर दो सिद्धू, वेरी गुड, बाय कर दो सिद्धू, सिद्धू बाय कर दो तुम। आप करो, छोड़ दो, आप करो। हैं सिद्धू बाय करो, बाय। अबे पीछे कर, इसका पानी पिया था ना तुमने, छी। थोड़ा पिया ऐसे तो गांव में कितने मुतके चले आते हैं तालाब में। भैया मेरे को कैसे करी थी पोटी उसने, बताओ अंकल को बता दो। देखी तेरे बगल में बॉल तो नहीं फंसी, फंस गए हमें ये भैया लेने आए। थैंक यू, क्या एक्सपीरियंस, मजा आया, कैसा लगा भैया आपको, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग आज उठ नहीं पा रहे थे। ये है डैम से नाइट का व्यू लेक का, और काफी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और ये पूरा डैम पे शो वगैरह भी होता है, तो अभी जब हो रहा था हम थोड़ा लेट आए, तो हम ये कर रहे हैं पूरा एक घंटे की राइड, और बहुत ही मज़ेदार राइड रही हमारी ये। और हमें मिली थी पैंडल वाली बोट, जो कि उसमें हम तीन बैठ सकते थे, और हम पीछे जो सीट थी उसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं, और बहुत कम्फर्टेबल सीट थी, और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मज़ेदार हमारा ये ट्रिप रहा। और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए और ऐसे मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।